नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। अभी तक पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान जुटे हैं। इतना ही नहीं, किसानों की केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई वार्ता भी विफल हो गई। लिहाजा अपना बोरिया बिस्तर और राशन लिए किसान दिल्ली कूच के लिए बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया जाता। सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत कई जगहों पर किसानों का जमावड़ा है। लाखों की तादाद में हरियाणा और पंजाब से आए किसान दिल्ली में कूच करने की फिराक में हैं, लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं है। यहाँ तक कि यूपी की सीमा पर तैनात किसानों ने तो वहीं अपना ही अस्थायी घर बना लिया है। हालांकि करीब 35 किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बैठक भी हुई। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल समेत तमाम नेता शामिल रहे। इस बैठक में किसानों को समझाया गया। किसानों को सरकार ने एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दी, मंडी सिस्टम को लेकर जानकारी दी, लेकिन किसान अपने सवाल पर अड़िग हैं। ऐसे में किसानों का सवाल ये है कि क्या सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाएगी, जिसका सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। 3 घंटे की इस चर्चा के बाद किसानों का आंदोलन जारी है। नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सीएम योगी मुंबई के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने फिल्म सिटी के इन्वेस्टर्स के साथ बैठक की है। नोएडा के फिल्म सिटी बनाने की कवायद से सीएम उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उद्धव का कहना है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर और धमकाकर कोई लेकर जाना चाहे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना कहा, दम है तो यहां उद्योग को बाहर लेकर जाएं। गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे के पास फिल्म सिटी बनाने की योजना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता अक्षय कुमार से भी मुलाकात की। कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अजीब वाकया देखा गया। वहां खड़ा एक विमान पर काला धब्बा दिखा। ध्यान देने पर पता चला कि वो मधुमक्खियों का झुंड था। विस्तारा एयरवेज की फ्लाइट कोलकाता से दिल्ली जाने वाली थी। यात्रियों के चढ़ने से पहले एयरबेस A320neo विमान पर मधुमक्खियों का झुंड देखा गया। विमान की खिड़की पर चिपकी इन मधुमक्खियों को हटाने के लिए फायर ब्रिगेड की वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण ने अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल के साथ शादी कर ली है। दोनों ने इस्कॉन मंदिर में अपने परिवार के सदस्यों के सामने सात फेरे लिए। तस्वीरों में दुल्हा बने आदित्य काफी हैंडसम लग रहे थे, तो वहीं दुल्हन के लिबास में श्वेता बेहद खूबसूरत नजर आईं। 28 नवंबर को दोनों की तिलक सेरेमनी हुई। दरअसल दोनों की शादी 1 दिसंबर को हुई और 2 दिसंबर को रिसेप्शन। शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हुए। इसमें परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदारों के साथ दोस्त भी मौजूद रहे। आदित्य ने शादी से पहले एक इंटरव्यू में कहा, यह हमारी जिंदगी का नया चैप्टर है। मैं श्वेता के साथ अपनी लाइफ शुरू करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं, जिसमें 10 साल हमारे रिलेशनशिप के हैं। हम एक दूसरे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पर जानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं, तो देखते हैं कि क्या होगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। नमस्कार।